शिक्षकों ने किया विधायकों का घेराव और सौंपा ज्ञापन। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के राज्य व्यापी आह्वान पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष शंभु यादव के नेतृत्व में हड़ताली शिक्षकों के द्वारा बहादुरपुर के विधायक भोला यादव, अलीनगर के विधायक अब्दुल बारी सिद्दकी को जिला अतिथि गृह में अपने मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों के द्वारा दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित यादव के आवास का घेराव करके उनसे अपने मांगों को सदन में रखने की अपील किया गया और हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी को शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया कि वे उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखें। सभी विधायकों के द्वारा शिक्षकों की मांगों को गंभीरता पूर्वक सदन में रखने के लिए आश्वस्त किया गया एवं शिक्षकों को विश्वास दिलाया गया कि उनकी इस लड़ाई में वे शिक्षकों के साथ हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष शंभु यादव ने बताया कि सरकार सदन में झूठा तथ्य रखकर राज्य की जनता को गुमराह कर रही है कि शिक्षकों के वेतन बढ़ाने से राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद 60% राशि केंद्र सरकार से अनुदान के रूप दिया जाता रहा है और अगर वर्तमान में राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के भांति वेतनमान और सेवा शर्त, सहायक शिक्षक और राज्य कर्मी का दर्जा देती है तो बिहार के वर्तमान कुल बजट का 2% भी शिक्षकों के वेतन पर खर्च नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री निरंतर ही शिक्षकों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जबकि भारत के कई आयोगों ने भी राज्य के कुल बजट का 10% शिक्षा पर खर्च करने की बात कही है। लेकिन इन सबसे से इतर सरकार समाज के शोषित और वंचित समुदाय के बच्चों के साथ छलावा कर रही है। आज के समय में कोई भी युवा नियोजित शिक्षकों की दुर्दशा को देखते हुए शिक्षक नहीं बनना चाहता है। शिक्षकों का आंदोलन वर्तमान समय में जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है और जनता तथा जनप्रतिनिधियों का शिक्षकों को साथ मिलने लगा है। सरकार में अगर तनिक भी संवेदना बची है तो शीघ्र हमारे प्रतिनिधियों को बुलाकर वार्ता करें, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विभाग के द्वारा शिक्षकों पर कार्रवाई की धमकी के बावजूद शिक्षक पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस बार अंतिम दम तक वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे क्षेत्र से चुने हुए विधायक के आवास का घेराव कर 17 वर्षों से नियोजित शिक्षकों के मुख्य मांग नियमित शिक्षकों के भांति वेतन मान, सेवा शर्त, सहायक शिक्षक और राज्य कर्मी के दर्जे को सदन में और सरकार के समक्ष रखने की मांग की गई है। मौके पर प्रशांत कुमार झा, यास्मीन आरा, शारदा मिश्रा, मेनका कुमारी, भारती कुमारी, रजनी कुमारी, मोएखलाक, मोएकराम, मोगुफरान, मोनईम, प्रमोद कुमार यादव, दिनेश कुमार, मनोज कुमार ठाकुर, नंद किशोर लाल देव, उपदेश कुमार, धनंजय झा, अनिल कुमार यादव, अजय कुमार यादव, चंद्रभानु सिंह, हरमिंदर कुमार, सुरेंद्र ठाकुर समेत सैकड़ों शिक्षक शिक्षिका उपस्थित रहे।